नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अदालतें, तारीखें और सुनवाई, ये सब दिखावा है। जुल्म के नंगे शरीर पर कानून का पहनावा है। ये कुछ लाइनें हैं जो आज की स्थिति पर एकदम सटीक बैठती हैं। उत्तराकाशी, जो कि उत्तराखंड का एक हिस्सा है, इस समय जल रहा है। किसी के पास कोई तथ्य नहीं, आधार नहीं, लेकिन एक भीड़ लगातार मुसलमानों पर अत्याचार करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ तथ्य, कुछ कारण उन्होंने दिए हैं। आज उसी तथ्य, उसी कारणों का पड़ताल विनय दुबे इस विश्लेषण के वीडियो में करेगा। आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तरकाशी में मुसलमानों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें वहां से क्यों भगाने की तैयारी की जा रही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि जो कारण, जो तथ्य हिंदूवादी संगठन बता रहे हैं, दरअसल वो मान्य रखता ही नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है। आज इस वीडियो में आपको सारे चीज़ों से रूबरू कराकर उस पे से पर्दा हटाने की मैं कोशिश करूँगा। उत्तरकाशी में जो बवाल है, आखिर ये शुरू क्यों हुआ? एक नाबालिग लड़की, 9वीं क्लास की, जो पढ़ने गई थी, वहाँ से उसका किडनैप हो जाता है। किडनैप करने वाले दो युवाओं को पुलिस गिरफ्तार करती है। अपहरण करने वालों में से एक युवा का नाम उबेद खान था तथा दूसरा जितेंद्र सैनी। बस यही कारण था कि हिंदूवादी संगठनों को मौका मिल गया। उनके अंदर लगातार मुसलमानों के खिलाफ पनप रही नफरत को एक आधार मिल गया, जिसको इस घटना के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना जो उन्होंने लगाया, वो मुसलमानों पे लगाया। जितेंद्र सैनी नाम का एक युवक मुसलमान तो नहीं हो सकता। आखिर उसको नज़रअंदाज करते हुए, केवल उबेद खान को लौ जिहादी दिखाते हुए हिंदूवादी संगठनों ने उत्तरकाशी के लगातार हर दुकानों पर जाकर पोस्टर चिपकाने शुरू किए कि 15 जून तक आप ये दुकान और ये घर खाली कर दीजिए। पुलिस महकमे के सामने, पूरे प्रशासन के सामने मुस्लिम घरों को टारगेट कर उनके दरवाजों पर लाठियां मारी गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों के शटरों, उनके बोर्डों को सत्यानाश किया गया। ये सारा चीज पुलिस महकमे के आंखों के सामने हुआ। यहां तक कि वहां की जो स्थानिक अदालतें हैं, उसके बाहर हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने आंदोलन किया और ये दावा किया कि उत्तरकाशी में लगातार मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसके कारण से यहाँ पर जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। ये जो तथ्य हैं, जिसके आधार पर ये बताया गया कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और एक दिन ये देवभूमि नहीं रह जाएगी, ये मुसलमानों का राज्य बन जाएगा। आज इसी तथ्य पर मैं आपको रिसर्च लेकर हाजिर हूँ। क्या वाकई में उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? आखिर मुसलमानों से इन हिंदूवादी संगठनों को क्या दिक्कत है? और ये जो पलायन का जो पूरी भूमिका है, वो क्यों रची गई है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं जनसंख्या को लेकर। उत्तरकाशी में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं? कितने लोग मुसलमान कैटेगरी में आते हैं जो कि उत्तरकाशी में रहते हैं? क्या वाकई में ये जो मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो उत्तरकाशी की जनता के लिए खतरा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सभी ने इमोशनल तौर पर, भावनात्मक तौर पर अपनी बातें रखी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लोग हैं जिन्होंने इस पर पक्ष रखा, लेकिन वो केवल भावनात्मक है। तथ्यात्मक तरीके से किसी ने भी अपनी बात इस मुद्दे पर नहीं रखी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर मैं डेटा लेकर आऊं, तो आपके स्क्रीन पे ये टेबल जो आप देख रहे हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर मैं टेबल या तथ्य आपके सामने रखूं, तो आपकी आंखें चौंक जाएगी। ये आपके बगल में जो उत्तराखंड के जिलों की आबादी दिखा रही है, मुसलमानों की आबादी और उसका परसेंटेज है। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो उत्तरकाशी आता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तरकाशी में केवल 3,554 लोग मुस्लिम कैटेगरी के थे, यानी कि मुसलमान थे। अगर परसेंटेज वाइज उसका आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा है 1.08%। केवल 1% 2011 में थे। अगर 2023 की मान लिया, 3 गुना भी अगर आप बढ़ा दो, तो 3% की आबादी हम मान लेते हैं, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना हुई ही नहीं है, तो हमारे पास आंकड़े नहीं है। एक अजम्पशन के हिसाब से अगर 3 गुना भी ज़्यादा अगर मुसलमान उत्तरकाशी में बढ़े हैं, अगर उसका आंकड़ा 3% भी मान लिया जाए, तो 97% हिंदू आबादी होते हुए भी ये दिखाना चाहते हैं कि 3% मुसलमानों ने इनकी अमन और चैन छीनी हुई है। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? जो हिंदू बाहुल्य इलाका है, जहाँ पे 97% हिंदू रहते हैं, वहाँ पे ये 3% जो कि व्यवसाय, दुकान, अपने रोजगार के लिए वहाँ पर हैं, जो कि स्थानिक हैं, जनगणना के हिसाब से वहाँ के वो मूल निवासी हैं, ऐसे लोगों से 97% हिंदुओं की फटी पड़ी है। ये वो तथ्य हैं जिसको छुपाने की कोशिश ये कर रहे हैं। आंकड़े के हिसाब से, मैं, ये सरकारी आंकड़ा है,
चलिए अब आते हैं दूसरा, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो कहते हैं, जो सेंटर भाजपा की सरकार हर महीने रिलीज़ करती है कि किस राज्य में कितने क्राइम हुए, उसके रिकॉर्ड्स, एफआईआर की कॉपी, बलात्कार वगैरह वगैरह। अगर आप, मैं इस आंकड़े को नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद जाइए एनसीआरबी की साइट पर जाइए, वहाँ पर उत्तराखंड के उत्तराकाशी का जो जोन आता है उसमें अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाएंगे तो 97% से ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं उसमें जो आरोपी हैं वो शॉकिंग तौर से हिंदू हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, भाजपा सरकार के अधीन है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, दोनों ही सरकारें भाजपा की हैं। उसके बाद जो एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट दी है वो उसके हिसाब से उत्तरकाशी में जहाँ पे ये बवाल मचा हुआ है वहाँ पे क्राइम, ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, तो 97% जो आरोपी हैं, जो क्राइम के हिस्सेदार हैं, चाहे वो बलात्कार का आरोपी हो, घर फोड़ी का हो, चोरी का हो, छुटपुट मारपीट का हो, उसमें 97% से ज़्यादा जो आरोपी हैं वो हिंदू हैं। तो इनके जो दो तथ्य हैं वो लगातार फेल होते दिखाई दे रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने यह दावा किया है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 2011 में 1% मुसलमान था, अब हम 3 गुना ज़्यादा मान लेते हैं, तो 3% भी अगर देखें तो 97% हिंदुओं की इन 3% मुसलमानों से फटी पड़ी है, ये हिंदूवादी संगठन दावा कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, तो 97% एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये दिखाई दे रहा है कि जो आरोपी हैं वो मुस्लिम नहीं है। 97% की जो आरोपित जो एफआईआर में दर्ज नामजद आरोपी हैं या गिरफ्तार आरोपी हैं, उनकी 97% की जो आबादी है वो हिंदू अपराधियों की है। तो ये बवाल क्यों मचा है, दुकानें क्यों खाली कराई जा रही हैं? दरअसल वहाँ पे जो हिंदूवादी संगठन है ना, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो बेचारे कब तक झंडा पैरा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, सोशल मीडिया पर कब तक 2 रुपया दिहाड़ी मजदूरी कर कर वो अपना घर चलाएंगे। आज के महंगाई के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शायद यही एक कारण है कि वहाँ के जो स्थानिक जो लो कैटेगरी के जो काम हैं, जैसे कि कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, किराना का दुकान, उसके बाद टाइल्स लगाना, इलेक्ट्रिकल काम, इन कामों पर इन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की नज़र है, जिसमें कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। जितना भी मेहनत का काम होता है जिसमें कि जो इनकम है बहुत लोवेस्ट होती है, वो मुसलमान करता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो इलेक्ट्रिशियन का जो काम है उसमें अधिकतर आपको मुस्लिम मिलेंगे, क्योंकि उसमें जान जाने का खतरा होता है, शॉक लगने का खतरा होता है, बहुत कम आपको हिंदूवादी लोग उसमें दिखेंगे। टाइल्स लगाने का काम, कारीगरी का काम, इसमें भी आपको मुसलमान ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, आमदनी के नाम पे बहुत लोवेस्ट इनकम होती है। लेकिन मुसलमान जो है हार्डवर्किंग करने वाला इंसान है, लगातार सदियों से, दशकों से वो भारत के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दे रहा है। यही कारण है कि जितने मेहनत वाले काम हैं इस कैटेगरी पर भी अब इस हिंदूवादी संगठनों का नज़र पड़ी हुई है। शायद यही कारण है कि उन्होंने मुसलमान लोगों को न टारगेट करके वहाँ के दुकान, वहाँ के व्यवसाय को टारगेट करना चालू किया। अपराधी तो जितेंद्र सैनी भी था, क्यों केवल खान नाम के इंसान को ही आगे करके लव जिहाद करके ये मामला चलाया गया? दरअसल इस 9वीं क्लास की पढ़ने वाली लड़की के अपहरण के कांड के कंधे पर बंदूक रखकर इनका टारगेट था मुसलमानों को प्रताड़ित करना। लेकिन सबसे बड़ा शौकाने वाला चीज़ तो ये था कि मुसलमानों के हो रहे प्रताड़ना को वहाँ की सरकार, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था आँख मूंद कर देख रही है। अगर आप जिलेवार मुसलमानों की आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम है इस समय है वो हरिद्वार के अंदर। जी हाँ, हरिद्वार बाबा महादेव की नगरी, जहाँ पर खुद साक्षात महादेव के अंश मौजूद हैं, उस हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 34% की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर, जहाँ पर 22% मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद देहरादून में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जो कि 11.91% है। ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर मुस्लिम की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन आंदोलन किया जा रहा है 1% वाले उत्तरकाशी में, क्योंकि उनको पता है गिन चुन के मुसलमान हैं। ये जो टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा पलायन हो रहा है, दरअसल ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 3,554 के आसपास, 1% के आसपास लोग वहां रहते हैं, जो कि अब अंदाजन आप 3% मान सकते हैं। इन 3% मुसलमानों को प्रताड़ित करके बहुत बड़ा पलायन दिखाने का एक जो षड्यंत्र, ये एक मैसेज देश के अंदर दिया जा रहा है कि अब जगह जगह मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा। भैया एक बात बताओ, 97 लोग एक जगह खड़े कर दो, 3 लोग एक जगह खड़े कर दो, पलायन तो होगा ही। अगर यही बंगाल में 97% अगर मुस्लिम खड़े होकर किसी हिंदू को पलायन करने पर मजबूर कर दें तो उसको लेकर आपको दर्द होगा। यही दर्द इस समय उत्तरकाशी में चल रहा है।
मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको रोजी रोजगार करनी है तो आइए ना मुसलमानों के साथ कंपटीशन करिए। अगर वो 100 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, आप 90 रुपये में करके देखिए, 95 में करके देखिए, 99 में करके देखिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि उनको हटाने के बाद इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आर्थिक तौर पर क्या होगा पता है? अगर मुसलमानों के द्वारा जो वहाँ पर व्यवसाय किए जा रहे हैं, जो रोज़गार किए जा रहे हैं, जैसे कि मांस की दुकान है, उसके बाद में कढ़ाई का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, टाइल्स लगाने का काम है, बोरिंग का काम है, हार्डवेयर का काम है, बहुत सारे ऐसे मेहनतकश काम है जिसमें कि सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, अगर ये हट जाता है तो उत्तरकाशी में जो लोग काम करेंगे इनके बदले में, वो अपनी तरफ से प्राइजिंग लेंगे। उन्हें पता है एक मुसलमान भाई अब नहीं आएगा यहाँ काम करने जो 100 रुपये में कर देता था, तो वहाँ पे जो हिंदूवादी लोग हैं जो इस तरह के काम करने के लिए आगे आएंगे, उनकी प्राइजिंग हाई होगी, उनको पता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ की जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि क्या वास्तविकता में पूरे प्रदेश के अंदर मुसलमानों की आबादी बड़ी है। दरअसल नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, तब इस नए राज्य के साथ में वहाँ के जो स्थानिक जिसे हम गढ़वाली मुसलमान कहते हैं, उनकी आबादी 2000 से लेकर 2011 और 2023 तक उतनी ही मेंटेन हुई है। ये जो बाहर की आबादी आकर यहाँ पर रोजगार कर रही है, उसके आंकड़े भी इस जनगणना में लिए गए हैं। स्थानिक आंकड़ा तो बहुत नीचे है, मतलब 1% भी गढ़वाली मुसलमान, जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो मुसलमान वहाँ का स्थानिक है, जो पहले से उत्तराखंड में रह रहा है, उनका आंकड़ा तो 1% भी नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश या बाकी जो सटे हुए राज्यों से जो मुसलमान पलायन करके उत्तराखंड में रोजी रोजगार के लिए आए हैं, ये उनका आंकड़ा है। दरअसल बहुत सारी मीडिया संस्थानों ने इस पर रिसर्च किया कि वहाँ के जो स्थानिक जो मूल निवासी हैं, जो गढ़वाली मुसलमान जिसे कहा जाता है, उनकी आबादी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उनके बच्चे आज भी नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं या शहरों में चले जाते हैं। ये जो पहाड़ी इलाकों में जो खेती होती है, आज भी जो अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे, जो गढ़वाली मुसलमान हैं, जो वहाँ का भूमिपुत्र है, जो इनकी ज़मीनें वहाँ पर हैं, वो आज भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। ये जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर या अन्य राज्यों के जो बॉर्डर उत्तराखंड से सटे हैं, वहाँ के जो राज्यों के जो मुस्लिम हैं, उन्होंने इस खेती बाड़ी को हाथ बताने के लिए, मदद करने के लिए पलायन किया। जो बुज़ुर्ग किसान थे वो तो वहाँ खेती कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से गए हुए मुसलमान हैं, ये उनके साथ जुड़ कर वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। ये जो खेती मालिक जो गढ़वाली मुसलमान हैं, इनके जो बच्चे हैं वो शहरों में काम कर रहे हैं या तो अन्य दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोजगार के लिए मदद कर रहे हैं। ये वो तरीका है जिसकी वजह से आपस में मुसलमान कौम ने अपने एक दूसरे के मदद के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को भी वहाँ पर शरण दिया। ये बात केवल मुसलमानों की नहीं है, बहुत सारे हिंदू धर्म के लोगों ने भी इस उत्तराखंड में पलायन किया, मतलब अन्य राज्यों से आकर उत्तराखंड में वो बसे हैं, जिसमें कि एक रिपोर्ट के हिसाब से उनकी तादाद जो है वो 85% है। 85% हिंदू आबादी जो है उत्तराखंड में बाहर से आकर बसी है, उसी के अंदर एक आंकड़ा 4 या 6% का जो है वो केवल मुसलमानों का है। अगर इस तरह की जनसंख्या को लेकर भी आप अगर देखें कि जनसंख्या बढ़ रही है मुसलमानों की, और आने वाले समय में देवभूमि जो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है वो मुसलमान क्षेत्र में बदल जाएगा, तो इस तरह की कोई भी जानकारी, तथ्य, सरकारी आंकड़े ये गवाही नहीं दे रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ मुमकिन होगी। लेकिन ये पूरा प्रोपेगेंडा केवल मुसलमानों की नफरत को लेकर चलाया जा रहा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, ये जो दंगे कराने की जो नीयत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं है, वो चुनाव में जाकर क्या दिखाएगा कि हमने कितने अस्पताल बनाए, कितने सड़कें बनाई, कितने बेहतरीन सुविधाएँ की, क्या वो बताएगा कि बालासोर की जो घटना हुई थी, रेलवे एक्सीडेंट, वो बजट के न इस्तेमाल करने से हुई थी जो कि सुरक्षा यंत्रणों में लगनी थी, क्या वो बताएगा कि 163 करोड़ रुपए का जो अनयूज्ड फंड है जो कि रेलवे के सिग्नलिंग्स और टेली कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व किया गया था, उसमें से 1 रुपया खर्चा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज सैकड़ों लोग मरे हैं। अनऑफिशियली बालासोर में रेलवे जो घटना हुई है उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों का आंकड़ा कुछ न्यूज़ संस्थानों ने दिखाए हैं। ये क्या दिखाकर आपके सामने वोट मांगने आएंगे? वो ये दिखाएंगे कि उत्तरकाशी से हमने मुस्लिमों को भगाकर मुस्लिम विहीन कर दिया, सनातन का परचम लहरा दिया ताकि आप हमें वोट दें, ताकि हम आगे 5 साल और इस देश को बर्बाद कर सकें। वो क्या दिखाएंगे कि हमने बहुत सारे ऐसे बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पाए जो लगातार इस आस में हमें वोट देते रहे कि हमें ये जिताने के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी। उनके पास कार्यों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर कोई भी चीज़ नहीं है। 5 ऐसे कारण आप नहीं देख सकते जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में किया है।
केवल मंदिरें बनाना, उसके लेकर बवाल करना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुसलमानों की हत्याएं करना, उनको प्रताड़ित करना, ये दिखाकर एक हिंदू तबके को ये आशंकित करना कि भैया अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो मुसलमान हावी हो जाएगा, आपकी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर लेगा, इस तरह के जो डर दिखाकर राजनीति चल रही है उसी प्रोपोगेंडा का एक हिस्सा ये उत्तरकाशी का पलायन है। और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं दिख रहा है कि इस तरह के पलायन के बाद वहाँ पर कुछ बदलाव होगा, उल्टा वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको ये हिंदूवादी संगठन अपने ताकत के दम पर, भीड़ के दम पर बार बार अपने हिसाब से प्रशासनिक तौर पर प्रेशर दबाकर अपने कार्यों को करते रहेंगे। इसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ेगा। आगे आने टाइम में आप ये देखेंगे कि उत्तरकाशी के बाद ये जो पलायन होने के बाद की जो स्थिति होगी वो बहुत ही भयंकर होने वाली है। लव जिहादी बताकर पूरे मुसलमान को हमको टारगेट करना ये प्रशासनिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर जायज़ नहीं है। उसके बावजूद सरकार खामोश है, पुलिस प्रशासन कानों में तेल डालकर बैठा हुआ है। सोशल मीडिया पर हम और आप जैसे तमाम लोग इन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसका कितना फ़र्क वहाँ के आम जनता पर पड़ेगा ये आप भी जानते हैं। हिंदूवादी संगठनों के जो दावे थे कि मुसलमानों की वजह से अपराध बढ़ रहा है, NCRB की रिपोर्ट उसको झुठला देती है। उत्तर हिंदूवादी संगठनों का ये दावा था कि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद या जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन भारतीय सरकार द्वारा किए हुए जनगणना के आधार पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनके जो तथ्य हैं वो आधारहीन है, बेसलेस है, लेकिन केवल मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाना है, मुसलमानों को कैसे भी तरीके से शिकार करना है, उनको डराना है, धमकाना है, ताकि हिंदू वोटों को कमाया जा सके, अपने पाले में किया जा सके। इसी के लिए उत्तरकाशी जैसे जो प्रोपोगंडा है हर एक दो महीने पे आपको देश के अलग अलग राज्यों में देखने मिलेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, मतदान खत्म होंगे, आपको ये सारा जो तनाव है देश के अंदर से एकाएक गायब होता हुआ दिख जाएगा। आपको याद होगा लोग जब बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे तो उससे ठीक पहले वहाँ पे भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं को मारना, उनकी हत्या करना, पेट पर लटका कर फांसी दे देना, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ गए उसके बाद पता चला कि ये सारी घटनाएं एकाएक आपके सामने से गायब हो गई। ये ऐसा ही होता है, केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के प्रोपोगंडा हमेशा से चलाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, क्योंकि 2002 के बाद ही नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था। आप लोगों को ये तथ्य कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये वीडियो भारत के हर मोबाइल तक ज़रूर पहुंचाएं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।